हेलो गाइस, मेरा नाम है हरीश और मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है रोबोट कंट्रोल बाय ब्लूटूथ। ये प्रोजेक्ट पूरा वायरलेस है क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरा मोबाइल से कंट्रोल होता है। इस प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन ये है कि हम कोई भी टास्क इसको दे सकते हैं या कोई भी वर्क करवा सकते हैं जो कि एक रोबोट की तरह कार्य करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये पूरा मोबाइल से कंट्रोल है, पहली बात। और दूसरा, हमने इसमें एक अपडेट किया है कि इसकी जो बैटरी हमने यूज़ की है जो कि लियन आयन बैटरी है। यहाँ पर हमने वुड की सीट ली है जो कि पूरा इस पर सपोर्ट है। और इसके पीछे मैंने आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमने टीटी गियर मोटर यूज़ करी है 4, और उसके साथ हमने टायर भी लगाया है। ये है आपका आर्डिनो यूनो और मोटर ड्राइव कंट्रोल शील्ड जो कि मोटर को कंट्रोल करता है। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा डेकोरेटिव कर रखा है, जिसके हमने RGB लगा रखा है और एक एक्रोलिक सीट लगा रखी है ताकि ये थोड़ा मॉडर्न हो जाए। उसके बाद हमने लियन आयन बैटरी यूज़ कर रखी है उसको मोटर को चलाने के लिए। और इसको हमने ये है लियन आयन बैटरी 3.7 वोल्ट, यहाँ पर हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, जस्ट 7.14 वोल्ट हो जाता है, यानी 3000 mAh की एक बैटरी है ये। और यहाँ पर हम इसको चार्ज कर रहे हैं 4056 TP चार्जर्स के थ्रू। ये मोबाइल के चार्ज के द्वारा कनेक्ट हो जाता है और ये चार्ज हो जाता है, जिससे लियन आयन बैटरी फुली चार्ज हो जाती है। ये TP4056, इसमें प्रोटेक्शन सर्किट भी होता है, मान लो हाई करंट होती है तो उसको भी सपोर्ट करता है प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ से ये स्विच ऑन ऑफ के लिए है, जैसे मैं इसको स्विच ऑन करूँगा ये हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ब्लूटूथ मॉडल कंट्रोल लगा रखा मैंने जो कि यह मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, उसके थ्रू यह ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। आइए हम देखते हैं इसको कंट्रोल करके मोबाइल के थ्रू कि ये कैसे वर्क करता है। चलिए आइए हम इसको देखते हैं। तो इसको ऑन किया हमने और उसके बाद इसको हम देखते हैं, यहाँ मैंने इसको कनेक्ट किया और जैसे ही यहाँ पर इसका नाम आया HRC। अब जैसे ही ये रेड से ग्रीन में कंप्लीट हो जाता है, हम इसको कनेक्ट हो जाता है, मतलब जैसे ही ग्रीन सिग्नल आता है तो ये कंप्लीट कनेक्ट हो जाता है। अब इसको हम इसको मूव कर जाते हैं। बैटरी को चार्ज किया है विद एक सिंपल चार्जर के थ्रू। तो आप इसको एक सिंपल चार्जर के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर रेड लाइट ये सिग्नल बता रहा है कि ये अभी चार्ज हो रहा है। जैसे ये ब्लू सिग्नल आ जाता है, ब्लू LED ऑन हो जाती है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पर अभी ये चार्ज हो रहा है तो इसके लिए अभी समय लगेगा, यानी एक बैटरी को चार्ज होने में आधा एक घंटा लगता है। तो दो बैटरी को जस्ट उसका दुगुना टाइम इसको लग जाता है। तो हम इसको लियन आयन बैटरी को इसको चार्ज कर रहे हैं। तो ये लियन आयन बैटरी जो है वो चार्जेबल होती है, तो आप इसको अच्छी तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो आई होप मेरा ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो इस टाइप के वीडियो या प्रोजेक्ट अगर आपको देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।